प्रणाम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे पहचाना? जी हाँ, मैं हूँ प्रेरणा और मैं लौट आई हूँ आपको एक बढ़िया कहानी सुनाने। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि दूसरों की तरफ संवेदना बताना जीवन में कितना जरूरी है? एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी खुशी रहना और एक दूसरे का दर्द समझने से हमारा जीवन बहुत आसानी से कट सकता है। सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है। उन परेशानियों को समझकर एक दूसरे की मदद करना हम सबको सीखना चाहिए। उसमें ना केवल हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, बल्कि हमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समझ आई मेरी बात? इस बात को और अच्छे समझने के लिए आज की कहानी आपको सुनाती हूँ। हमारे साथ एक नई सखी मासूमा साकरीवाला जुड़ चुकी है, जो हमें हर रोज आपके लिए नई और मजेदार कहानियाँ बनाने में मदद करती है। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है जापानी नेवला। जापान में एक बहुत सुंदर जगह है, उसका नाम है नारुमी। वहाँ पर एक नदी के किनारे एक नेवला रहता था। वो नेवला नदी पार जाकर जंगल के जानवरों को परेशान करता था। वो सबको सताता भी रहता था। यदि किसी को चोट लग जाए तो प्यार से उसे मरहम लगाने को भी देता था, लेकिन ये मरहम नींबू के रस और काली मिर्च से बना होता था। इस कारण मरहम लगाने वालों को और ज्यादा पीड़ा होने लगती थी। नेवले को ये सब देखकर और भी मजा आता था। उसने एक दिन खरगोश के साथ ऐसा ही किया। खरगोश ने उसी दिन सोच लिया कि वह दुष्ट नेवले को सबक जरूर सिखाएगा। और एक दिन खरगोश को एक बढ़िया उपाय सूझ गया। उसने दो टोकरियां ली, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी टोकरी के नीचे उसने तारकोल लगा दिया। खरगोश दोनों टोकरियां लेकर नेवले के पास पहुंचा और उसने कहा, चलो पहाड़ी के ऊपर चले, वहां बहुत मीठे आमों का एक पेड़ है, वहां से आम लेकर आएंगे। लालची नेवले ने तुरंत बड़ी वाली टोकरी उससे ले ली। खरगोश तो यही चाहता था। पहाड़ी के ऊपर जाकर दोनों ने आमों से टोकरियां भर ली। बड़ी वाली टोकरी भारी हो गई। नेवले ने भारी होने के कारण नीचे रख दी। टोकरी के नीचे तारकोल लगा हुआ था, इसलिए टोकरी जमीन से चिपक गई। आमों से भरी टोकरी को नेवला छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पूरा जोर लगाकर टोकरी उठाई। इससे उसके पंजे छिल गए। खरगोश ने उससे कहा, दोस्त, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, ये लो दवा लगा लो। नेवले ने जब दवा लगाई तो दर्द से चिल्लाने लगा। असल में यह वही नींबू और काली मिर्च का मरहम था जो नेवला सबको दिया करता था। नेवला परेशान होकर नदी की ओर भागा। वो नदी पार करके जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। नदी के किनारे पर दो नावें खड़ी थी, एक पुरानी थी और एक नई चमचमाती हुई। वो तुरंत नई नाव में जाकर बैठ गया। इस नाव में एक छेद था। नाव डूबने लगी। नेवला किसी तरह नदी पार करके दूसरे किनारे तक पहुंचा। उसके छिले हुए पंजों पर मिर्च का जो मरहम था, उसका दर्द अभी तक हो रहा था। ऊपर से पानी में भीगने के कारण जख्म और ज्यादा दर्द कर रहे थे। उस दिन से नेवले को इस बात का अनुभव हुआ कि उसकी हरकतों से दूसरे जानवरों को कितनी तकलीफ होती होगी। उस दिन से उसने कान पकड़ लिए कि वो कभी भी किसी को भी नहीं सताएगा। देखा दोस्तों, नेवले ने दूसरे जानवरों की तरफ संवेदना नहीं बताई, तो उसे खरगोश ने सबक सिखाया।
दूसरों को दुखी देखकर हमें भी उनके दुख में शामिल होना चाहिए, और अगर उनके दुख में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम उनका मजाक तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मैं आरती नायक चेंज मेकर की तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आपसे जुड़ने का और रोज कहानियाँ सुनाने का अवसर दिया। तो मेरे दोस्तों, कुछ पंक्तियाँ गुनगुना कर मैं आज की कहानी खत्म करती हूँ। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। धन्यवाद।